सैंडविच मनी। एक गांव में कालिदास नाम का एक साहूकार हुआ करता था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज था। गांव वालों को पैसे कर्ज देकर, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, धोखा देकर लोगों से उनके जायदाद हड़प कर बहुत पैसे कमाया। कालिदास बहुत बड़ा मक्की चूस कंजूस था। एक बार कालिदास का बेटा विमल विदेश में पढ़ाई पूरी करके घर लौट आया। कालिदास विमल से, क्यों रे, मेरे व्यापार की जिम्मेदारी कब ले रहे हो? अब तक तुम्हारे वजह से पैसे खर्च हुए हैं, मगर एक रुपया कमाई भी नहीं हुई है। कम से कम अब से तो भी कमाना शुरू करो और काम में हाथ बटाओ। विमल तब, पिताजी आकर एक घंटा भी नहीं हुआ, इतने में ही शुरू कर दिए। वैसे भी मैं अपने खुद का व्यापार करने की सोच रहा हूँ। कालिदास तब, खुद का व्यापार करूँगा बोलकर मेरे पास से निवेश के पैसे लेने की सोच रहे हो क्या? व्यापार करने मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा। कहा विमल तब, मुझे आपके बारे में अच्छे से पता है पिताजी, मैं पहले मंदिर जाके आऊंगा। कहा कालिदास तब, रे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, नहीं तो तुम बाहर भिखारियों को भीख दोगे। मंदिर में पुजारी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो भगवान का नाम बोलकर लूटता है। कहा कालिदास और विमल मिलकर मंदिर गए। मंदिर के बाहर आते ही विमल भिखारियों को गौर करने लगा, कुछ बात करे बिना वहां से चला गया। अगले दिन भी विमल मंदिर को गया। ये देखकर कालिदास विमल का पीछा करने लगा। मंदिर के पास आते ही विमल वहां के भिखारियों को घर से लाए सैंडविच दान किया। ये देखकर कालिदास गुस्से से, मुझसे छुपकर इसे कब लाए रे? तुम ऐसे बेकार काम करोगे कहकर मुझे पता था, इसलिए तुम्हारा पीछा करते हुए आया। कहा विमल तब, आपको कुछ नहीं पता पिताजी, आप चुप रहिए, मैं आपसे भी बहुत होशियार हूँ। इस छोटे से काम के वजह से हमें कितना लाभ होगा आपको 2 दिनों के बाद पता चलेगा। ये ब्रेड मैंने सफर में खरीदा था, ये एक्सपायर हो गया था, उसे कूड़े में फेंके बिना ऐसे किया। 2 दिनों तक मैं चाहे जो भी करूं, आप चुप रहे तो बस है, ये सब हमारे काम आएगा, मेरा यकीन कीजिए। कहा कालिदास तब, हमें लाभ मिलेगा बोल रहे हो ना? ठीक है। कहा अगले दिन सुबह जो 3 भिखारी सैंडविच लिए थे वो सब कालिदास के घर के सामने आकर खड़े हो गए। कालिदास उन्हें देखकर गुस्से से, कल मना किए तो भी इन भिखारियों को सैंडविच दिए थे, अब ये लोग हमारे मंदिर को जाने से पहले ही सुबह सुबह घर को भीख मांगने आ गए, इन्हें जल्दी भिजाओ। कहा विमल तब, पिताजी आपको मैंने 2 दिनों तक चुप रहने के लिए कहा था ना, मैं देख लूंगा, आप रुकिए। कहा उन भिखारियों में से एक भिखारी झाड़ू लेकर पूरा घर साफ करने लगा। दूसरा भिखारी घर के बाहर मौजूद कार को अच्छे से साफ करने लगा। तीसरा भिखारी घर के सारे कपड़े धोने लगा। कालिदास को कुछ समझ नहीं आया। विमल उन तीनों को फिर से सैंडविच दिया। वो लोग सैंडविच लेकर चले गए। कालिदास विमल से, रे पैसे देंगे कहे तो भी हमारे घर में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वैसे लोग अब तुम्हारे 2 बासी सैंडविच के लिए इतना सारा काम करके जा रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। उसमें कोई दवाई मिलाए थे क्या? कहा विमल तब, मैं जो भी करूंगा वो अपने लाभ के लिए करूंगा कहकर मैंने पहले ही कहा था ना पिताजी, आप देखते रहिए। कहा कालिदास तब बहुत खुश हुआ। उस दिन से कालिदास के घर को आए दिन कोई ना कोई आकर घर का सारा काम करके जाने लगा। विमल उन्हें सैंडविच देने लगा। वो लोग बिना कुछ बोले चले जाने लगे। कालिदास विमल के उन बासी सैंडविच का राज क्या है ये पता करने के लिए सोचा। कालिदास भिखारी का भेष डालकर कार पहुंच कर विमल के बगल में खड़ा हो गया। विमल कालिदास को भी एक सैंडविच दिया। कालिदास वो सैंडविच लेकर ब्रेड के टुकड़े को निकाल कर देखा तो उसमें नोट के बंडल थे। नोटों को देखकर कालिदास हैरान हो गया। थोड़ी देर के बाद कालिदास होश में आकर, ये क्या है रे? कहकर जोर से पुकारा। विमल चुप था।
कालिदास, तब दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए तो तुम ऐसे इन भिखारियों को पैसे दान कर रहे हो, तुम मुझे कैसे पैदा हुए रे? कहा विमल, तब मैं भी वही सोच रहा हूँ पिताजी, मंदिर के बाहर जो भिखारी है वो सच में भिखारी है या आपके वजह से वैसे बन गए? उनमें से एक आपका दूर का रिश्तेदार है, दो लोग आपके बचपन के दोस्त है, व्यापार में हिस्सा दूंगा बोलकर उनके पैसों को ऐंठ कर उन्हें भीख मांगने पे मजबूर करके अब वो लोग आपको पता नहीं जैसे नाटक कर रहे हो। इससे बड़ा पाप और कोई होगा क्या? इसलिए आपका बेटा होने के नाते आपके पापों की प्रायश्चित करने के लिए आपके हाथों से धोखा खाने वालों को ऐसे पैसे दे रहा हूँ, कहा। उसके बातें सुनकर कालिदास बेहोश होकर नीचे गिर गया।